जब कोई व्यक्ति कोई अपराध कर देता है तो पुलिस उसके साथ किस तरह का सलूक करती है यह बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब पुलिस अपनी सीमा लांघकर दबंगई पर उतर आए तो इसे आप क्या कहेंगे। जी हाँ, रेवाड़ी आरपीएफ पुलिस का ऐसा ही एक कारनामा सामने आया है जिसमें आरपीएफ पुलिस के कर्मचारी अपने ही कारनामों को लेकर फंसते नजर आ रहे हैं। रेलवे पुलिस ने आरपीएफ के दो जवानों के खिलाफ एक युवक को झूठे केस में फंसाने के आरोप केस दर्ज किया है। दरअसल 15 दिन पूर्व रेवाड़ी आरपीएफ पुलिस ने ट्रेनों में अवैध रूप से सामान बेचने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया था। आरोप है कि दरोगा के इशारे पर आरपीएफ के दो जवानों ने रंजिश के चलते गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पर खड़े एक युवक को जबरन धर दबोचा और बंदी बनाकर न केवल उसके साथ मारपीट की बल्कि उसका मोबाइल व जेब से पैसे भी छीन लिए और रेवाड़ी लाकर पुलिस ने उस पर झूठा केस दर्ज कर दिया। युवक ने जब अपना कसूर पूछा तो थाने में उसके साथ मारपीट की गई। वहीं सूचना के बाद जब परिजन थाने पहुंचे तो उनके साथ भी आरपीएफ के इन जवानों ने बदसलूकी की। युवक की शिकायत पर जब यह सारा मामला उच्चाधिकारियों तक पहुंचा तो उन्होंने इन दोनों जवानों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित युवक की माने तो वह काफ़ी समय पहले रेलवे स्टेशन पर वेंडर का काम करता था। रेवाड़ी से अजय त्री, आज़ाद टीवी न्यूज़। संडे का दिन था, 15 तारीख थी। उस दिन मैं गुड़गांव को निजी काम से गया हुआ था तो वहाँ पे ये अपने रेवाड़ी के कांस्टेबल अंकुर, इसके साथ एक निजी आदमी कोई और था। मैं स्टेशन पर खड़ा था टिकट लेके गाड़ी रेवाड़ी आने के लिए पैसेंजर की। तो वहाँ तो उसी टाइम एक बांद्रा एक्सप्रेस आई 22452 गाड़ी नंबर। इन्होंने मेरे को चुप रहने को कहा और मेरे को लेके गाड़ी के अंदर इन्होंने घेरा है। घेरने के बाद गाड़ी जब चली है उन्होंने मेरे घर मारपीट की है, मेरी जेब से पैसे भी निकाले और मेरा मोबाइल भी छीन लिया। तो जो उसका जो साथी था मैंने उससे रिक्वेस्ट की, उसने मेरा मोबाइल दिया। मैंने अपने भाई के पास फ़ोन किया, अपने दोस्त के पास फ़ोन किया और एक बंदे के पास और फ़ोन किया था। फ़ोन करने के बाद उसने ये कहा कि मेरी बात करवा दी उस अंकुर सिपाही से। जब मैंने उससे बात करने के लिए कहा तो उसने मेरा फ़ोन उठा के नीचे फेंक के मारा और वो ये बोलने लग रहा था तू तो वही आदमी है जिसने पहले हमारे आरपीएफ के ऊपर केस डाल रखा है, तेरे को छोड़ेंगे नहीं, तेरे को जान से मारेंगे, यानी अपना केस वापस ले ले। अब क्या कुछ मुकदमा दर्ज किया था तुम्हारे खिलाफ? मेरे पास बाबूजी मुकदमा ये वेंडरी का मुकदमा दर्ज करवाया उन्होंने मेरा। क्या वेंडर का काम करते हो तुम? नहीं बाबूजी। सर क्या घटना होगी आपके बेटे के साथ? ये सर इसको जो अरेस्ट किया गया तो मेरे को पता लगा कि भाई उसको पकड़ लिया गया, तो मैं रेलवे स्टेशन पे गया, साथ में मेरी मिसेज गई थी। तो हम वहाँ अंदर जाके पूछताछ करने लगे भाई किस बात से इसको पकड़ के लाए हो, क्या कर दिया इसने। तो बातचीत कुछ करी नहीं, धक्के मारने लगे, नो बाहरो बाहरो, अंदर कोई बात मतलब कोई सभ्यता वाली तो कोई बात ही नहीं की हमसे। तो अभी कह रहे हैं मारपीट भी की है, मोबाइल छीना है। वो तो इसका मोबाइल तो इसके पास था, वो इसका छीन लिया गया और इसको थप्पड़ चटक के मारे गए वहाँ पे। और अगर ऐसे के अंदर मान लो बच्चा घबरा के अगर ट्रेन से मान लो कूद भी सकता है, अगर कूद जाता तो ये तो एक हादसा ही हो जाता। आपने रेल के अधिकारियों से बात की होंगी, क्या कह रहे हैं किस जुर्म के अंदर? कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने, कोई जवाब नहीं। बोला हम तो केस डालेंगे, केस करेंगे।